जोहार। तो जो लोग पढ़ा को नहीं मानते हैं, ग्राम सभा को नहीं मानते हैं, वो एक बार इस वीडियो को देखिए कि अगर हम पढ़ा चलाएंगे अपने गांव घर में, अगर हम ग्राम सभा को चलाएंगे अपने गांव घर में, हमारे पुरखा का जो व्यवस्था है, हमारे बाप दादाओं का, आदिवासियों का जो व्यवस्था है, अगर उसको हम चलाते हैं अपना गाँव घर में, तो हमारा जल जंगल जमीन सुरक्षित हो सकता है, हमारा माटी बेटी सुरक्षित हो सकता है, हमारा जो आज जमीन छिना रहा है ये सब सुरक्षित हो सकता है। इसलिए हमें पढ़ा को चलाने की जरूरत है। एक बार आप इस वीडियो को जरूर देखिए। व्यक्तिगत काम है ना तुम्हारा, व्यक्तिगत सरकार का काम है। कौन सरकार? सरकार क्या है? सरकार बिना परमिशन के जमीन मालिक कोई गलत हरकत नहीं करेगा। हम संविधान से लेकर संविधान को जानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग, सुप्रीम कोर्ट को मानने वाले लोग। बिना परमिशन के कैसे इनके बाप का जमीन नहीं है, हमारे बाप का जमीन है। हमारा जमीन है, पुरखों का जमीन है। हमारा बाप जमीन इसलिए देके गए कि हमारे आने वाली पीढ़ी को दे, और तुम हमारी जमीन पे बांध बनाओगे? बिना कानून पढ़ के आई हो, और ये अनुसूचित क्षेत्र है, और ये नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ का क्षेत्र है, और यहाँ पर बिना यात्रा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलेक्टर कलेक्टर, पुलिस प्रशासन में नहीं घुस सकते। सब संवैधानिक तरीके से घुस रहे हैं आप लोग। आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो सर्वे हो रहा है इससे व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, शांति व्यवस्था भंग हो रही है। आपका काम है आर्टिकल 14 के तहत विधि के समक्ष समानता देना। तो आप वो करिए, इनको बोलिए कि आप विधिवत पूर्वक यहाँ से चले जाइए। हमको यहाँ किसी तरह का व्यवधान नहीं चाहिए, न ही किसी तरह की शांति व्यवस्था भंग चाहिए। अभी डैम नहीं बन रहा है यार यहाँ। सर्वे करना है नहीं करना हम तय करेंगे। ये कौन होते हैं जी हमारी जमीन का सर्वे करने वाले? आप उसके लिए एसडीएम से कलेक्टर साहब क्यों भाई? एसडीएम कलेक्टर के पास क्या जाए? उनके बाप का जमीन थोड़ी रहा है, और हमारे लिए आदेश कौन देता है? डैम का आदेश किस कोई देना? हमको उससे मतलब थोड़ी ना है। आप कलेक्टर साहब से क्यों जाए जी? क्यों जाए? कलेक्टर कौन है? हमको नहीं जाना ना, जमीन हमारा यहाँ, हम कलेक्टर के पास क्यों जाए? अगर उनको दिक्कत है वो आ जाए। कलेक्टर का बाप का जमीन थोड़ा ही है। कलेक्टर को हमको जमीन नहीं देना, चल निकलो। अब कलेक्टर साहब से चर्चा कर लो। हम क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। आप लोग आ रहे हो, आप ही लोग आ रहे हो। आप बताओ कलेक्टर कहाँ से बोल रहे हो? कलेक्टर को बचवा इधर। व्यवस्था बनाने आए हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने। हम आपसे बात कर रहे हैं, हम कलेक्टर से क्यों बात करेंगे? हम तो इसलिए शांति से बात करने की बोल रहे हैं आप लोगों से। हम कलेक्टर के पास नहीं जाएंगे। कलेक्टर को दिक्कत है वो आए हमारे आएंगे यहाँ पे। हम उसको बोल देंगे हमको हमारी जमीन नहीं देंगे, वो चले जाए बिना। ओके बस। हम तो जब कलेक्टर को तो पता चलता होगा ना कि हम इतना दिन से विरोध कर रहे हैं, और ग्राम सभा के माध्यम से आदेश दे रहे हैं तुमको, और ये क्षेत्र कौन सा है ये भी तो समझिए। नॉन रिलेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ का क्षेत्र है। कानून ये पढ़े नहीं, आप पढ़े हो मुझे लगता है। ये कानून पढ़े रहते तो आते नहीं। यस है ना, तो कानून पढ़े हो तो नॉन रिलेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ किसी जज से या किसी एडवोकेट से समझ लीजिएगा एक बार, तब यहाँ पर घुसिएगा। ये नॉन रिलेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ है,
इस पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी जुडिशियल रिव्यू नहीं करती, फिर तुम्हारा केंद्र सरकार राजस्थान इलेक्टर कलेक्टर फलेक्टर कुछ नहीं करेगा, समझे ना। ये नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ का क्षेत्र है, ठीक है ना। और बिना इजाजत के यहाँ प्रवेश निषेध है, ये शेर का क्षेत्र है, और शेर की गुफा में घुसोगे तो पता चल जाएगा क्या होता है। पंजा मारने से काम नहीं चलेगा, और पंजा तुम्हारा संवैधानिक होगा, याद रखिएगा। चलिए निकलिए, अब हो गया, चलो बस चलो। अभी बोल दिया तो फिर आ जाएंगे लोग, ठेकेदार से निकल जाइए, ये ठेकेदार, ये सामने का ठेकेदार को निकालो यहां से, ठीक है। चलो उसको निकालो, ठेकेदार चले निकल के, अरे आप जाइए हमारे क्षेत्र से, अरे चलो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं, इनसे क्या बात करना। तो इसी चीज के लिए हमें संविधान पढ़ने की जरूरत है, तब जाके हमारा जल जंगल जमीन माटी बेटी सुरक्षित रह सकता है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, और सभी मेरे आदिवासी भाइयों से अनुरोध है कि सभी संविधान पढ़िए, अपना बाप दादा को व्यवस्था को पढ़िए, अपने बाप दादा को रीति रिवाज को समझिए, तब जाके हम आदिवासी कहलाएंगे, आदिवासी बचेंगे। नहीं तो आज व्हाट्सअप और फेसबुक और ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से हमें बना बनाया कहानी बताया जाता है कि इस प्रकार से लोग का जीवन था, ऐसा खाते थे, ऐसा रहता था ना। अरे हम आदिवासियों का इतिहास बहुत खतरनाक है, लेकिन हमसे हमारा इतिहास छुपाया गया है। और अगर आपको उसका इतिहास को खोज के निकालना है तो आप लोगों को संविधान पढ़ना पड़ेगा। संविधान के साथ साथ और भी बहुत सारे बुक है जिसको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप अपना बाप का ताकत को जान पाइएगा, अपना व्यवस्था को जान पाइएगा। तो इतना ही बोलेंगे आज के लिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अच्छा लगेगा। जोहार।